हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो देखिए, आज मैं आपको 3 वैरायटी के कोलेस दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हुए पड़े हैं और 3 तरह के हैं और कलर भी तीनों की अलग अलग है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट जो शेड्स हैं तो आप अगर नोटिस करें कि तीनों की जो वैरायटी है सेम है, लेकिन इनके जो कलर है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि ये थोड़ा सा पर्पल है और इसके बीच में पिंक लाइन है और ये वाला ग्रीन है, इसके बीच में थोड़ी सी ऑफ वाइट या क्रीम लाइन है और यहाँ पर ये मैरून कलर में है और इसके बीच में पीच लाइन है। इस तरह से कुछ इसके डिजाइन है और जो आसपास की पत्तियों की शेप है, कट से, वो बिल्कुल सेम है। तो ये 3 तरह के रंग बिरंगे फूलों से भरपूर लग रहे हैं, मतलब कि आपको फूलों की कमी नहीं होगी। अगर आपके गार्डन में ये वाले हैं तो आपको नहीं लगेगा कि हमारे गार्डन में कोई कलर नहीं। तो रंगों से तो ये भरपूर होते हैं, आपको जितनी वैरायटीज इसकी मिलती है उतनी वैरायटीज लाके लगाएं तो आपके गार्डन में कलर ही कलर ऐड हो जाएंगे। तो इसको कलर से, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जहाँ से देखिए, ये बुशी करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका होता है, इसको हमने पिंचिंग करनी होती है। जैसे कि यहाँ से कोई पत्ती निकली हुई थी तो मेरी मदर ने इसको यहाँ से कट कर दिया, दो साइड से ब्रांच निकली है और नीचे से भी निकल रही है। तो ये सारे उन्होंने इस तरह से किए हुए हैं। देखिए, यहाँ से भी उन्होंने ब्रांच कटिंग की है तो दो ब्रांचेस निकली है, फिर यहाँ से एक की और फिर साइड में से छोटी छोटी शूट्स निकल रही है। तो यहाँ पर एक ब्रांच पिंच नहीं किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पिंचिंग किस तरह से होती है। तो मैं आपको पूरी डंडी तोड़ के दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखिए, एक तो इसकी पिंचिंग हो गई और आप चाहे तो इसको कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ से ये नोड एरिया होता है, इसको मिट्टी में दबाना होता है। दो पत्ते इसके साइड में से हटा दें, ना भी हटाए तो भी चलेगा। इस तरह से ये देखिए, अब इसको हम मिट्टी में लगाएंगे तो इसकी जो कटिंग है वो तैयार हो जाएगी। कि यहाँ पर मेरे पास गमले में थोड़ी सी जगह है तो इसी में हम इसको लगा देंगे। पानी मैंने इसमें अभी दिया है तो ये हमारी कोलेस की जो कटिंग है लग गई है, तो कुछ ही दिनों में ही तैयार हो जाती है। आप चाहे तो इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये 3 कलर की जो लाइन है वो कुछ इस तरह से है और ये देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, घने हो जाते हैं आपके गार्डन में बहुत ही, मतलब कि गार्डन को भरा भरा बनाते हैं। तो अगर आपके पास कोलेस के प्लांट नहीं है तो समर सीजन का ये बेस्ट सीजन होता है इनको लगाने का, आप जरूर लगाएं। सर्दियों में भी अच्छे खासे चलते हैं लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छे चलते हैं, तो आप इनको लगाएं, अपने गार्डन की सुंदरता को बढ़ाएं। तो आज की वीडियो करते हैं एंड, आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।